देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में अचानक हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। किसानों का एक धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है। इन्हीं में से कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद सिद्धू ने फेसबुक पर कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे, यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है। वहीं कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना ने पिछली रात सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को भड़काने की कोशिश की। बता दें कि दीप सिद्धू पंजाबी अभिनेता है। दीप सिद्धू का जन्म वर्ष 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें पहचान साल 2018 में आई फिल्म जोरा दास नुबरिया से मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।